हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं तुषार, स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 27 मार्च यानी 27 मार्च के डेली करंट अफेयर। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस किए हैं। ओके, पहला चेंज तो हमने ये किया कि हम डे बाई डे क्या करेंगे, करंट अफेयर के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो हम बढ़ाते चलेंगे। और एक साथ इसलिए नहीं बढ़ाता कि आपको कोई प्रेशर ना लगे, हम डे बाई डे बढ़ा रहे हैं। जैसे आज एक कोई नंबर बढ़ा दिया, फिर कल 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, परसों 3 एक्स्ट्रा होंगे, तो ऐसे ही करते करते हमने एक टारगेट सेट कर लिया कि हम थोड़े क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा चीज़ हमने किया वो ये किया है कि अब से अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसके रिगार्डिंग कोई फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी हम हैंड टू हैंड उस क्वेश्चन के साथ कवर करते हुए चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर मान लेते किसी स्टेट का नाम आया, तो उस स्टेट के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, या फिर उस स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म फेमस है, या वहाँ का फूड कौन सा फेमस है, उस स्टेट की स्कीम्स, वहाँ का गवर्नर, या और भी कोई फैक्ट किसी और क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, वो हम डिस्कस करते चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने चेंजेस अपने मन से किए हैं, इन चेंजेस का सुझाव मुझे ऑडियंस ने दिया, यानी आप जैसे व्यूअर्स ने दिया। उन्होंने कहा सर कटआउट्स इतने काम के नहीं है, बट उसकी जगह अगर आप कुछ स्टैटिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें हर एक क्वेश्चन के साथ जो उससे रिलेट हो सकती है, या सर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पढ़ा दें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, पहला चेंज तो आपको आज ही से देखने को मिलेगा और वो डे बाय डे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और जो सेकंड चेंज है आपको फ्रॉम दी टुमारो और मे बी फ्रॉम दी नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। ये थी जानकारी छोटी सी आप लोगों के लिए। ओके, सो ऑलराइट, देखिए पहला क्वेश्चन है आज का आपका, इन विच कंट्री वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल विल बी बिल्ट, यानी विश्व की पहली शिप टनल कहाँ पे बनाई जाएगी, किस देश के अंदर बनाई जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर दे रहे आपके ऑप्शंस। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नॉर्वे। नॉर्वे के अंदर बनाई जाएगी विश्व की पहली शिप टनल। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल होस्ट दी 4th एडिशन ऑफ दी वियन ग्लोबल समिट, यानी वियन ग्लोबल समिट के 34th संस्करण का आयोजन कौन सा देश करेगा। यहाँ पर दे रहे आपके ऑप्शन। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूएई, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखिए इसमें कहाँ पर होगी, दुबई के अंदर होगी। कहाँ होगी, दुबई के अंदर होगी, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका, विच सॉन्ग हैज बीन चूज्ड एज दी ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ दी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, यानी ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल सॉन्ग किसको चुना गया। यहाँ पर आपके ऑप्शन, गर्ल गैंग, रॉक दी वर्ल्ड, गर्ल्स ऑन दी टॉप, या फिर विजन आई हैव। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्ल गैंग। तो गर्ल गैंग जो एक सॉन्ग है, इसको भी चूज किया गया था ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। और देखिए ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है, तो इसका आयोजन कर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है हमारा ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। ओके, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दी व्यास सम्मान 2020, यानी 2020 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यानी किसको सेलेक्ट किया गया सम्मान के लिए। यहाँ पर दे रहे आपके ऑप्शंस। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शरद पगरे। ओके, तो शरद पगारे एक बोली या फिर पगरे बोली एक ही बात है, इनको दिया जाएगा 2020 का व्यास सम्मान। ओके, और एक लिटरेरी प्राइस आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड विद दी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020, यानी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसको नवाजा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, लता मंगेशकर, जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, या फिर आशा भोसले। सो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आशा भोसले। तो आशा भोसले जो कि काफी प्रोमिनेंट सिंगर है बॉलीवुड की, इन्हें अभी अभी नवाजा गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आपका, हु बैग्ड द राइजिंग स्टार अवार्ड एट द एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, यानी एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में राइजिंग स्टार का अवार्ड किसको दिया गया। ओके, यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, विजयराज, आदर्श गौरव, सुनील शर्मा, फिर शबनम मलिक। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आदर्श गौरव। आदर्श गौरव को अभी अभी दिया गया राइजिंग स्टार का अवार्ड एट एशियन वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका, विच कंट्री विल बी होस्टिंग दी पाबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज, काफी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफी न्यूज में भी है ये, वजह बता दूंगा क्या है अभी आप, लेकिन बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपके ऑप्शंस, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, फिर इंडिया। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है इस एक्सरसाइज को, इसका नाम क्या है, पाबी एंटी टेरर 2021 एक्सरसाइज। और देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बात ऐसी हो रही है कि शायद इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और लग रहा है कि शायद कर ही लेगा, क्योंकि जिस तरीके के भी हालात हैं, जिस तरह से रिलेशंस में बदलाव आया सडनली दोनों कंट्रीज़ के, लग रहा है कि इंडिया शायद पार्टिसिपेट करेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर सू वुक विल विजिट इंडिया फॉर अ 3-डे विजिट, यानी किस देश के रक्षा मंत्री सू वुक भारत आएंगे 3 दिन की यात्रा के लिए।
यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया, फिर जापान। सो देखिए इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं सुवुक, और ये भारत आएंगे भी 3 दिन की यात्रा के लिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च दी मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन को लॉन्च किया है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सो देखिए इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी अभी लॉन्च किया, यानी जो मध्य प्रदेश के सीएम उन्होंने लॉन्च किया है मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन। क्यों लॉन्च किया आप बताओ, सडनली कोरोना का जो अफेक्ट है, जो कोरोना के केसेस हैं वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया मेरी सुरक्षा मेरा मास्क कैंपेन। और मध्य प्रदेश आपके सीएम कौन है, आपके सीएम है यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान, आप ध्यान रखेंगे, यानी एसएससी से आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ की गवर्नर कौन है, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, ओके, आनंदीबेन पटेल। तो आपको ध्यान रखना आनंदीबेन पटेल गवर्नर है एमपी की, और देखिए यूपी की भी गवर्नर आपको ध्यान होना चाहिए, देखिए ये यूपी की गवर्नर भी, ठीक है आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द इन्फोसिस, यानी हाल ही में इन्फोसिस का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शन, सौम्य बर्मन, शैलेश कुमार, राकेश यादव, फिर चित्रा नायक। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चित्रा नायक। तो चित्रा नायक को अभी अभी अपॉइंट किया गया एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका, रिसेंटली इन विच स्टेट बनाना फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड, यानी बनाना फेस्टिवल किस राज्य में अभी बनाया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, उड़ीसा, त्रिपुरा, केरला या फिर उत्तर प्रदेश। सो देखिए इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी बनाया गया है आपका बनाना फेस्टिवल, आपको पता होना चाहिए। और देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है आपके, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, ठीक है, वाई ए एन सब याद रखेंगे, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर ने बताया आपको कौन है, आनंदीबेन पटेल, ओके। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कल का जो क्वेश्चन आपको दिया गया था करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन फॉर यू। सो देखिए कल का क्वेश्चन फॉर यू था आपका, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, यानी किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सो देखिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है। और ये जो क्वेश्चन था आपका सीएचएसएल 2019 में आ गया था, और इस क्वेश्चन का बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया। सम ऑफ द नेम्स आर अमनदीप कौर, श्री विद्या रेड्डी, हिमांशी शर्मा, एच के इज ऑल्सो देयर, एंड देयर आर सम अदर नेम्स, राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल ऑल द नेम्स, बट बहुत सारे बच्चों ने इसका अच्छा आंसर किया था एंड आई लाइक दैट, ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या आप लोगों के लिए, और आप चाहते हैं उसका भी आंसर इसी तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ओके। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों का, द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसका नाम क्या है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये किस भारतीय शहर के अंदर लोकेटेड है, आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई। और ये जो क्वेश्चन था आपका सीजीएल 2017 के एग्जाम में आ गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।